सो हेलो दोस्तों, आज हम लाए हैं एक ऐसा VPN सेटिंग जो आपके इंटरनेट को बेहतर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग पर और वीडियो को देखते रहिएगा एंड तक का, क्योंकि इसमें सरप्राइज है कुछ। तो सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना अपने सिम कार्ड मैनेजर में, या फिर डुअल सिम एंड सेलुलर नेटवर्क का भी ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद अपना सिम चूज़ कर लेना है, सिम वन में है जियो या फिर सिम टू में है, जो भी जियो सिम है चूज़ कर लीजिए। उसके बाद आपको नीचे एक्सेस पॉइंट नेम बोल के एक ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है APN। इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद एक बार रेजेट यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, यहाँ रेजेट कर लेता हूँ एक बार। आप भी एक बार रेजेट करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर में प्लस का आइकॉन है आपका, हो सकता है आपका नीचे भी दिया हो सकता है, तो यहाँ पर ऊपर में मैं क्लिक कर देता हूँ। अब क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ फॉर्म जो है फिलअप करने को आएगा, APN फिलअप करने को आता है। तो सबसे पहले जो है वो नेम आता है, तो नेम में यहाँ पर आपको लिखना है, ध्यान से देखिएगा ठीक है। तो लिखना है जियो और एक स्पेस स्पीड और एक स्पेस देखिए नेट, जियो स्पीड नेट, जो कि जे कैपिटल होगा, एस कैपिटल होगा और एन कैपिटल होगा। तो ये देखिए, उसके बाद सेव कर दीजिए। उसके बाद आता है APN। APN में यहाँ पर आपको लिखना है कैपिटल जे आई ओ जियो एक और कैपिटल नेट, ठीक है। एन जो है कैपिटल होगा, जियो नेट, और उसके बाद सेव कर देना। उसके बाद आता है प्रोक्सी, प्रोक्सी को नोट सेट रहने दें। उसके बाद आता है पोर्ट, पोर्ट को भी नोट सेट रहने दें। उसके बाद आता है यूज़र नेम, यूज़र नेम में आपको यहाँ पर लिखना है, सो यहाँ पर यूज़र नेम में आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है स्पीड, जो कि एस कैपिटल होगा, स्पीड और डॉट और बॉट, जो कि बी कैपिटल होगा और बॉट। उसके बाद सेव कर देना है स्पीड डॉट बॉट। उसके बाद यहाँ इसको भी कर देना है सेव। उसके बाद आता है पासकोड, पासकोड को नॉट सेट रहने दें। उसके बाद आता है सर्वर, सर्वर में यहाँ पर आपको लिखना है www.google.com, ये लिख के आपको यहाँ पर सेव कर देना है, ठीक है। उसके बाद आता है MMSC, MMS प्रोक्सी और MMS पोर्ट, ये तीनों को आपको नॉट सेट ही रहने देना है। उसके बाद आता है MCC एंड MNC, ये आपका एरिया कोड है, इसे आप छेड़छाड़ ना करें वरना आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है और भी धीरे हो जाएगा। सो अब आता है, अब जो सेटिंग आता है वो है ऑथेंटिकेशन टाइप। तो ऑथेंटिकेशन टाइप यहाँ पर आपको इसमें टच करना और इसको कर देना है पैप और चैप, सबसे नीचे वाले में पैप और चैप। उसके बाद आता है APN प्रोटोकॉल, APN टाइप, इसको आपको नोट सेट करने देना है। उसके बाद आता है APN प्रोटोकॉल, इसको यहाँ पर एक बार टच करना है और IPv4 प्लस IPv6 कर देना है, ठीक है, सबसे नीचे वाले में। सो उसके बाद आता है APN रोमिंग प्रोटोकॉल, इसको भी आपको IPv4 प्लस IPv6 सबसे नीचे वाले में कर देना है। उसके बाद आता है बेयरर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग होता है, लेकिन अभी मैं इससे पहले एक गिव अवे आने वाला है मेरे चैनल पर, 5 से 10 रुपये इंस्टेंट पेमेंट आपको देने वाला हूँ, तो वो पहले कुछ सुन लीजिए थोड़ी देर का है। उसके बाद ये सरप्राइज है, उसके बाद फिर से मैं एक 5 से 10 रुपये का इंस्टेंट पेमेंट आप लोगों को दिलाने वाला हूँ। तो पहले ये कैसे क्या कुछ करना है सारा कुछ पहले देख लीजिए, उसके बाद मैं वीडियो को अंत तक देख पाऊँ। होने वाला है तो उसमें से एक वीडियो है जिसमें आपको प्यारा से कमेंट भी करना है और साथ में पेटीएम नंबर डाल देना है, उसमें 5 से 10 रुपये इंस्टेंट आप लोगों को जो है मिल जाने वाला है। और अगले ही दिन अगर मेरे 30 कमेंट जैसे ही पूरे होते हैं, मैं उसी के नेक्स्ट डे मैं क्या करने वाला हूँ कि उस बंदे का नाम रैंडम कमेंट पिकर से लेने वाला हूँ और उसको 5 रुपये जो है वीडियो बनाकर 5 से 10 रुपये का जो है उसको मैं पेमेंट देने वाला हूँ। और साथ ही साथ वो करने के बाद मैं उसी वीडियो में मैं अपना एक वेबसाइट है, ठीक है, 5 से 10 रुपये, उसमें भी आपको 24 घंटे के अंदर साइन अप होने के उसमें भी 5 से 10 रुपये मिल जाएंगे। तो अब इस GBA में क्या करना है कि आपको सिर्फ कमेंट कर देना है और एक वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। सो मैं उस वीडियो में आई बटन पर जाइएगा तो वो वीडियो मिल जाएगा, उसी वीडियो पर जाकर लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिएगा और अपना पेटीएम नंबर दे दीजिएगा। सो दोस्तों, चलिए अब अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके बाद जो है बेयरर को एक बार क्लिक करना है, ठीक है, बेयरर को एक बार टच करना है और उसके बाद अनस्पेसिफाइड को अन टिक करके LTE में टिक करना है, HSPAP और HSPA ये तीनों में टिक करना है। उसके बाद EDGE, GPRS और नीचे वाले में IS9 5B और IS9 5A, ये सब स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आपको आसानी होगा इसको सेटिंग करने के लिए, ठीक है। अगर इतने सारे सपोर्ट नहीं करते हैं तो सिर्फ LTE में टिक करके छोड़ दीजिए। उसके बाद MVNO टाइप को नन रहने दीजिए, ऊपर में जाके सेव कर दीजिए।
ऊपर में या फिर आपका नीचे भी सेव का ऑप्शन हो सकता है। सो ऊपर में सेव कर दीजिए, उसके बाद एक बार जियो स्पीड नेट में टच कर दीजिए तो आपका इंटरनेट स्पीड जो है बेहतर हो जाएगा। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो नॉलेजफुल रहा होगा और गिव अवे में भी पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा 30 कमेंट्स का।